अब एक शेयर जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, पीएससी कंपनी नेडा, क्या लिस्टिंग हुई है शानदार। पहले लिस्टिंग के बाद हमने देखा है कि लिस्टिंग हुई, उसके बाद जो है ये कैसा, मुझे जहां तक अभी तक याद है पिछले कुछ दिनों में शोरग कि ऐसी एक कंपनी है जो लिस्टिंग के बाद इसमें सर्किट लगा, 20% का लिस्टिंग के बाद भी सर्किट लगा, वो नेडा तक शानदार तेजी देखने को मिली लिस्टिंग गेन के लिए, 87% के आसपास का लिस्टिंग गेन आया। शोरग जो तेजी आई, क्या वाकई वैल्यूएशन पे सपोर्ट कर रहे थे इसको? नहीं, जब आईपीओ के पहले जो वैल्यूएशन आई थी और हमने चेक किया था, आरईसी और पीएफसी दोनों के वैल्यूएशन से सस्ती थी। और याद रखिए ये रिन्यूएबल फाइनेंसिंग आर्म है, फाइनेंसिंग आर्म तो था ही पर ये रिन्यूएबल एंगल भी इसमें लगा है, ये एक इसमें एक्स्ट्रा था जिसने इसको इतनी मदद करी। और जी बिल्कुल, और बाजार ने इसको प्रीमियम दिया एंड ओवरऑल जो था मोमेंटम भी बहुत स्ट्रांग था। और देखा जाए तो नेटवर्क टेक भी है दूसरा जो कंपनी आया रिसेंटली आईपीओ है, इन दोनों का देखें लिस्टिंग डे गेन 80% के ऊपर आया। नेटवर्क गेन आपका AIML को रिलेटेड था, तो ये दो स्टॉक्स भी जो थे रिसेंटली बज कर रहे थे। ये हमने देखा कि इस साल पीएसयू कंपनियों में जो तेजी आई ना, आरएससी हो पीएफसी हो, मतलब जिसमें जिसके प्रॉफिट नहीं है, एमएमटीसी से स्टॉक देखने में कोई प्रॉफिट कंपनी नहीं कमा रही है, क्या धंधा कर रही है पता नहीं, उसमें भी इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली। तो आईपीओ मार्केट में जब नेडा की लिस्टिंग हुई तो शानदार टर्न, चूंकि 30 रुपए का था आईपीओ तो कहीं ना कहीं लोगों को सस्ता भी लगा। रिटेल में सब ऐसे ही सस्ते आईपीओ ढूंढते हैं हमेशा, आपने देखा ये ट्रेंड होता है। नेडा और नेटवेब इन दोनों में शानदार टर्न देखने को, अब क्या करना चाहिए, क्या इस लेवल पर होल्ड करना चाहिए, मुनाफा वसूली करनी चाहिए, क्या गिरावट पर खरीदने का मौका है इन दोनों शेयरों में? देखो पहले इरिडा की बात करता हूँ। अब जैसे आपने कहा कि पावर सेक्टर में आप बाकी स्टॉक्स देख लो तो आपको दिखेगा कि करीबन डबल हो गए हैं सारे के सारे, और लिस्टिंग के बाद इरिडा भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो मुझे लगता है कि अब ये बाकी कंपनीज के बराबर आ चुकी है और उसमें इतना स्कोप नहीं है इमीडिएट बेसिस पे। हाँ, ये स्लो एंड स्टेडी बढ़ते रहेगा, तो एक बार आप अगर इसमें भी अगर प्रॉफिट बुक करते हो तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आपको थोड़ा बहुत मुनाफा घर लेके भी जाना चाहिए। तो हो सकता है कि अब क्योंकि डबल हो गया, आप आधा प्रॉफिट बुक करो और फिर उसको और किसी में लगाओ। एनटीपीसी हमने बहुत बार रिकमेंड किया है आपके शो पे और बहुत अच्छा कर रहा है वो स्टॉक। नेटवेब देखिए, वापस आईटी स्पेस थोड़ा सा अभी तक कमजोर लग रहा है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूं तो आपको ऑन डिप्स इसको बाय करना चाहिए। और अगर 750 रुपए आपको मिलता है तो बहुत अच्छा लेवल होगा इसमें एंट्री मारने के लिए वापस।